हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड यू वाचिंग एजुकेशन फॉर सर्वाइव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री के हैं एमसीक्यूज में। तो इस चैनल पे आपको पूरी हिस्ट्री की क्वेश्चन एमसीक्यूज मिल जाएंगी एक पार्ट वाइज में। और हमारी टीम और इस चैनल की कोशिश रहेगी कि पूरी हिस्ट्री की क्वेश्चन आपको दिया जाए और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटा ना हिस्ट्री के। और कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अभी अपलोड किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्द से जल्द और इस चैनल और इस टीम के आप भी पार्ट बनिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपके नोटिफिकेशन में पहुँच जाएंगे और आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे बिना कुछ देरी के। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में ही है। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो हिंदी में चाहिए किसी को तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं एक हिंदी का भी सीरीज़ डाल दूँगा इस चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विथ मैजिक स्पेल्स एंड विचक्राफ्ट। इसका आंसर है डी, अथर्वेदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ व्हाट। इसका राइट आंसर है ऑल द अबव, संहितास, ब्राह्मीन्स, आर्यंस, इसका सारा आंसर है। तो इसका ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर। तो इसका थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं, द वैदिक रिलीजन्स अलॉन्ग विथ इट्स लेटर डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज द। इसका आंसर है ब्राह्मणिज्म इज द राइट आंसर, सो बी इज़ द राइट आंसर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल इन द रीजन ऑफ वेयर। तो इसका आंसर है सप्ताज हिंदू, जिसका आंसर है सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस ज्ञान मंत्रा। जिसका आंसर ऋग्वेद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, द फेमस ज्ञान मंत्रा इज एड्रेस्ड टू होम। जिसका राइट आंसर है सविता इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी सविता। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हाइएस्ट गॉड इन द वैदिक रिलीजन्स आर कौन कौन से हैं देखते हैं। सी इज़ द राइट आंसर इज इंद्र एंड वरुणा, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू फोर क्लासेस इज क्लियरली मेंशन इन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पुरुषा सूक्त ऑफ ऋग्वेदा, सो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now the next question is, this Vedic god was a breaker of the forts and also a war of god, so who is that? Now the right answer of this question is Indradev is the right answer of this question and A is the right option of this question. Iska A sahi uttar hai. Aur phir aate hain apne नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द हरप्पन और इंदुस वैली सिविलाइजेशन फ्लोराइज ड्यूरिंग द एज, किस एज में ये आया था। तो इसका राइट आंसर है कैथोलिक एज में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वाज, इसका राइट आंसर है बी कॉपर, सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। Which of the following civilization is not associated with the Harappan civilization? Now, the right answer of this question is D, Chinese is the right option of this question, D. Of the following scholars, who has the first discovered the trace of the Harappan civilization? So, iska right answer hai aapka D, Dayaram Sahni is the founder of the Indus Valley civilization or Harappan civilization. तो आगे चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे, द हरप्पन सिविलाइजेशन अचीव्ड फॉर ग्रेटर एडवांसमेंट देन समर एल एसेट्रा ऑन व्हाट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टाउन प्लानिंग,
सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, टाउन प्लानिंग। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाउन प्लानिंग इन द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाई अ रिगार्ड फॉर वॉट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड सी इज द राइट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस फॉर हरप्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्यूज फ्रॉम द अदर कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बाई इट्स। इसका राइट आंसर है आपका बी, जो कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। सो इसका राइट ऑप्शन है बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, मैच द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बोल दूंगा, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है जो कि हमारा ए, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ। सो आप लोग देख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर 18th, द डेट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन 2300 1750 BC हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेस ऑफ व्हाट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, मोस्ट ऑफ द लार्ज हरप्पन टाउन्स एंड फॉर 14 फोर्टिफिकेशंस वी सर्व द पर्पज ऑफ वॉट। द आंसर इज ऑल द अबव, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लोट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटल रेड्स एंड सेफली फ्रॉम रॉबर्स इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ए बी सी। सो ऑल ऑफ देम इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, कैरल ग्रोन बाय द पीपुल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ देम, वीट, राइस, मिलेट। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर फ्रेंड्स, द यूटेंसिल ऑफ द इंडस वैली पीपुल वेयर मैन्युअली मेड बाई, आई थिंक क्ले इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन टू बी इंडस वैली पीपुल। सो इसका आंसर है डी, आयरन इज नॉट नो बाई द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एट दैट टाइम। उस समय में इंडस वैली के लोग आयरन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वॉज नॉट वर्शिपेड बाई द इंडस वैली पीपुल। तो फर्स्ट आंसर इज त्रिमूर्ति इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट हैज़ अ सस्पोज्ड डॉक यार्ड बीन फाउंडेड। नाउ द आंसर इज लोथाल इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लोथाल। नाउ आवर लास्ट एंड क्वेश्चन इज ऑफ दिस पार्ट वीडियो, द इकनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपुल वॉज बेस्ड ऑन विच। सो आई थिंक एग्रीकल्चर इज द राइट ऑप्शन, एंड एज वेल एज क्राफ्ट एंड ट्रेड कॉमर्स इज ऑल द ऑप्शन इज राइट। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल द एबव। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड यू वाचिंग एजुकेशन फॉर सर्वाइव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन जो कि